हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लियर द टैक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जीरो से इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलता है। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब पर एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसके बाद फ्रेंड आपका पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होता, यानी आपका चैनल में जीरो सब्सक्राइबर होते हैं, तो फ्रेंड तो आपको यूट्यूब की तरफ से क्या क्या फ्यूचर को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को पता है, जैसे ही हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड हमें लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन एनेबल होता है, यानी हम अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड हमें कस्टम यूआरएल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी हम अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल बना सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड हमें कम्युनिटी टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से जैसे ही हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ 6,500 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट होते हैं, तो फ्रेंड तब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप जैसे ही एक एक माइलस्टोन को पूरा करते हैं तो फ्रेंड आपको यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे फ्यूचर को देखने को मिलते हैं या एनेबल कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड सबसे पहले नंबर वन में आप अपने चैनल में कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को पता है, जैसे ही आप एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हो तो फ्रेंड आपको कस्टम थंबनेल का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन फ्रेंड आप जैसे ही अपने मोबाइल नंबर से अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करते हो तो फ्रेंड आपको कस्टम थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अपने वीडियोस में कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, यानी थंबनेल लगा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड सेकंड में आप अपने वीडियोस में हैशटैग यूज कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड अगर आप हैशटैग यूज कर सकते हो अपने टाइटल में या अपने डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद फ्रेंड आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का चैनल का नाम डाल देते हो तो फ्रेंड उसका ब्राउज फीचर में या उनका सजेस्ट में या उनका ऑडियंस तक आपका वीडियो 100% जाएगा, क्योंकि फ्रेंड हैशटैग का काम ही है कि बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके उनका ऑडियंस तक या उनका ब्राउज फीचर में या उनका वीडियो के सजेस्ट में आपका वीडियो दिखाना। उसके बाद फ्रेंड आप अपने वीडियो का टाइटल्स में @ मेंशन कर सकते हो। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको जीरो सब्सक्राइबर पर बहुत सारे फ्यूचर को देखने को मिलता है।